कांग्रेस खेमे में पसरा मातम। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता जा सकते हैं जेल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में नोटिस भेजा है। बता दें कि कोर्ट ने इन तीनों के अलावा कई अन्य राजनेताओं को भी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत ने पूछा है कि आखिर पक्षकार के तौर पर उन पर क्यों ना मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा जिन अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें आप नेता मनीष सिसोदिया और अमानतुल्ला खान, AIMIM नेता वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर और अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल है। वहीं इसी तरीके का नोटिस बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा, अभय वर्मा को भी भेजा गया है। इसको लेकर कोर्ट ने सभी लोगों से 4 मार्च 2022 तक इन पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि अदालत ने इन सभी के खिलाफ भड़काऊ भाषण संबंधी FIR दर्ज कर इन्हें पक्षकार बनाने संबंधी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कार्रवाई करने के संबंध में इन सभी का जवाब मांगा है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।